लड़की मुझे वहां भी बहुत चालू लगती थी, बट यहाँ पे भी उसका असली रंग दिख गया। अपने बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड नहीं मान रही यार, दर बदल हुआ लौंडिया, एकदम पलट गई। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है, आगे आपके साथ एक और न्यू ब्लॉग लेके। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं, दोपहर ही होने वाली है, बस अब कुछ ही चंद मिनटों में, ठीक है ना। मेरी नाक बंद पड़ी है कई दिनों से, और गला तो मेरा मुझे लगा 2-3 महीने हो गए, गले में तो मेरा आराम हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। आवाज़ भी क्या आपको ऐसी मिलेगी मेरी आज के ब्लॉग में। गाइस मैं क्या कर रहा है, ये देखो चाय बना रहा है। चलो गाइस, मास्टर शेफ़ ने चाय बना दी है, कड़क चाय वो भी, और इसके अंदर है नमकीन, दिखाऊं? ये देखो है ना मस्त। तो गाइस चाय मैंने पी ली है, चाय पीने के बाद अब मैं लेट के और बैठ के देखूंगा टीवी, ठीक है ना। टीवी में वैसे मैं क्या देख रहा हूँ बताऊंगा आपको चुपके से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो गाइस देखो मैंने क्या बनाया है, मैगी और पास्ता मिक्स, जो कि आज मैंने बिल्कुल शॉर्ट वाले तरीके से बनाया, तो आपको थोड़ी देर में इसे खा के इसका रिव्यू बताऊंगा बिल्कुल कैसा था कैसा नहीं, फिर इसकी रेसिपी भी बता दूंगा मैंने कैसे बनाया है, ओके। तो गाइस अपना हो गया, आज जो मैंने बनाया था ना मैगी और पास्ता मिक्स करके बिल्कुल चाउमीन का टेस्ट आ रहा था इसमें, ये देख लो क्यों, क्योंकि मैंने बनाया कुछ उसी स्टाइल में था, सारी चीज़ अलग 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 करके, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, ना मिर्ची ज़्यादा, ना मसाले ज़्यादा, ना ही कोई चीज़ कम, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा, नमक तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं परफेक्ट, एकदम ऐसा था। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें नमक नहीं डाला था, इस वजह से नमक मैंने कहाँ डाला था, उसमें जब वो बॉईल करा था ना मैगी और पास्ता अलग अलग, तो उसमें नमक डाला था मैंने, ठीक है ना। उसके बाद जैसे सब्जी का शौक बनाते हैं वैसा शौक बना लो, और उसके बाद उसमें डाल के मिक्स कर दो, ठीक है ना। अब मिलूंगा मैं आपसे शाम को। तो भाई शाम हो चुकी है, अपन निकल गया है, ठीक है वहाँ पे जाने के लिए। अभी क्या बताऊँ, पहुँच के बताऊँगा, यहीं से बता दूँ। चलो पीछे जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, जाली के पार, बट घूम के जाना पड़ता है, बताया आपको जैसे कि देखो सामने काओ। तो गाइस बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ आ गया मैं इस पार्क के अंदर, ठीक है ना, बट आज मैं अकेला नहीं है। हेलो भाई साहब, अरे तू किसने सजा दे रखी है तेरे को भाई साहब? ऐसे आप सही है, आप बता भाई साहब कैसे हो? बहुत अच्छे, आप तो क्लियर क्यों नहीं दिख रहे मेरे को, फिर बहुत अच्छे हो तो। लाइट लगने के बाद अच्छा नहीं आ रहा, यस देखो नहीं आ रहा। तो गाइस सुहाना मौसम, और ये 5:30 बजे का सीन है अभी। बास की निगाहों में देखो। क्या देखो तेरी निगाहों में, बता मेरी निगाहों में देखो। अरे डार्क सोल घर ला रहे हैं तेरा बहुत ज्यादा। ओह चलो गाइस अच्छा यार दोस्तों, करते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद बात, ओके। चलो गाइस पार्क से निकल लिए हैं, ठीक है, इस टाइम आके मच्छर काटने हो जाते हैं बंद, ठीक है राइट ब्रो। हाँ पहले बहुत मच्छर खा गए थे हमारे पूरा पैर, वो जगह पर थे नहीं मच्छर, मच्छरों ने सटक लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम पार्क से बाहर, इस वाले द्वार से। तो गाइस आ गया ना घर पे, और एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पर खड़े होकर बात करता हूँ, देखो क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी साल बाद लाइट लगी है, ठीक है ना, जो कि मैंने ही लगाई थी। अरे लग रहा हूँ ना बस। तो गाइस बताओ आवाज़ गूंजेगी यहाँ मेरी, क्यों? क्योंकि आवाज़ की मर्जी, ठीक है ना जी। और आज आपको हम डिनर नहीं दिखा पाएगा, क्यों उसका भी रीज़न बताता है, हमने बाहर बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है। मैं अरमान भाई जी मिले थे ना आपको अभी थोड़ी देर पहले जब पार्क में थे, तो मैंने आपको तो दिखाया नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा खा लिया था, तो इसी वजह से अब डिनर कैंसिल। बिग बॉस देख रहा हूँ आवाज़ ज़्यादा गूंज रही, बिग बॉस देख रहा हूँ अभी, उसको देखने के बाद उसके रिव्यू करूँगा, और अपना ब्लॉग फिर छोटा बनेगा, फिर उसको एडिट करके अपलोड करूँगा, ठीक है। तो गाइस देख लिया पूरा बिग बॉस, बिग बॉस के ऊपर हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा है, और एक दिन का ब्लॉग का गैप भी हो गया, उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा फीवर था मम्मी को, ठीक है होने भाई, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, थोड़ा गैप हो गया, अगले दिन आ गया, आज ब्लॉग आना था मेरा, बट अब कल आएगा, ठीक है ना गाइस। तो चलो ये ब्लॉग हम एंड करते हैं वीडियो, अब बिग बॉस के रिव्यू शायद मस्त मस्त आएंगे, क्योंकि जो ईशा जी है, समझ रहे हो ना ईशा जी कौन, जो उड़ारिया में थी, ये लड़की मुझे वहाँ भी बहुत चालू लगती थी, बट यहाँ पे भी उसका असली रंग दिख गया। अपने बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड नहीं मान रही यार, दर बदल हुआ लौंडिया, एकदम पलट गई।
देख रहे हो कितने गद्दारी के, कितनी गद्दारी कर रहे हो लड़की, ठीक है ना। चलो रिव्यू दूंगा आपको कल के परसों के बिग बॉस का, ठीक है ना। ये व्लॉग में एंड करते हैं, वीडियो पर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, उससे क्या होगा जब मेरी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।